हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राम का ज्ञान इंस्ट्रूमेंट में। सो आज का हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट का जो क्वेश्चंस है वो प्राइमरी एलिमेंट्स प्रेशर के कौन कौन से होते हैं उसके बारे में। इस वीडियो में मैं आपको उसके जो भी क्वेश्चंस है उसके आंसर्स में देने वाला हूँ, प्रेशर जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसके। लेट्स स्टार्ट, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी आप इधर एक ये पहला आपको क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्राइमरी एलिमेंट्स ऑफ मेजरिंग प्रेशर। सो प्राइमरी एलिमेंट्स यूज फॉर मेजरिंग प्रेशर्स आर बर्डन ट्यूब, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन प्रेशर एलिमेंट्स, डायफ्राम टाइप, कैप्सूल, बेलोस, प्रेशर स्प्रिंग्स। ओके, द अबव आर नोन एज इलास्टिक डिफॉर्मेशन प्रेशर एलिमेंट्स। मतलब इलास्टिक डिफॉर्मेशन जो भी प्रेशर अप्लाई होता है इसे इलास्टिक जो भी होगा, कंप्रेस या डिकम्प्रेस या एक्सपांड या डीएक्सपांड, जो भी डिफॉर्मेशन होगा उसकी जो भी साइज है उसमें डिफॉर्मेशन होगा, उसके हिसाब से क्या करेंगे वो लोग प्रेशर मेजर करके देते हैं हमें। तो मोस्ट कॉमनली जो प्राइमरी एलिमेंट्स है, बर्डन ट्यूब, डायफ्राम टाइप, कैप्सूल, बेलोज एंड प्रेशर स्प्रिंग्स, ये पांच मेन कॉमनली टाइप्स हमारे प्रेशर एलिमेंट्स होते हैं जो यूज़ होते हैं। सो टाइप्स ऑफ बर्डन ट्यूब, जो भी बर्डन ट्यूब्स में भी तीन टाइप्स हैं। तो सी टाइप एक तो होता है, सी टाइप बर्डन ट्यूब, स्पायरल एंड हेलिक्स। सो ये तीनों कौन कौन से टाइप का होता है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपने यहाँ पे देख लिया मेन कॉमनली कौन कौन से टाइप होते हैं बर्डन ट्यूब के, जो भी टाइप्स हम तीन टाइप बता दिया आपको। यहाँ पे आप किसी डेफिनेशन देख लेते हैं। डायफ्राम का क्या है, द डायफ्राम बेस्ट सुटेड फॉर लो प्रेशर मेजरमेंट। जो डायफ्राम टाइप का जो हम लोग प्रेशर एलिमेंट, जो सेंसिंग एलिमेंट हम यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, लो प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लो प्रेशर, ज़्यादा मैक्सिमम प्रेशर वहाँ पर अप्लाई करेंगे तो डायफ्राम डैमेज हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम लोग मिनिमम प्रेशर मतलब लो प्रेशर मेजरमेंट के लिए होता है। कैप्सूल जो होता है, जो दो सर्कुलर डायफ्राम्स को क्या करते हैं, वेल्ड टुगेदर करके एक कैप्सूल का फॉर्म बनाते हैं। ओके, सो इसमें मेटल जो भी यूज होता है, फॉस्फोरस, ब्रॉन्ज, निकल और स्टेनलेस स्टील, ये तीन कॉमनली मेटेरियल यूज़ होते हैं इसकी जो MOC होती है कैप्सूल बनाने की। सो डायफ्राम जो होता है, दो सर्कुलर डायफ्राम को वेल्ड करके हम लोग इसको बनाते हैं कैप्सूल। और बेलोज इज द वन पीस, इसमें सीमलेस मेटेलिक यूनिट डीप फोल्ड्स फॉर्म वेरी टिन वॉल ट्यूबिंग। इट मीन्स जो बेलोज होता है वो स्प्रिंग टाइप का रहता है, जैसे अपना साइलेंसर जो भी रहता है उसमें कैसे गाड़ी में लगा रहता है, ऊपर नीचे मूव करता है, उस कंडीशन का ही बना रहता है बेलोज। अभी नेक्स्ट पिक में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इसके लिए मेन कॉमनली जो भी मेटेरियल यूज होते हैं किस चीज़ का बना होता है, ब्रास, फॉस्फोर, ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील, और ये जो बेलोज होता है वो हाई प्रेशर एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। डायफ्राम किसके लिए, लो प्रेशर मेजरमेंट के लिए, बेलोज जो हो गया आपका हाई प्रेशर मेजरमेंट के लिए, और लास्ट एक प्री स्प्रिंग, ये भी आपका किस में होता है, हाई प्रेशर में यूज होता है। ये हेलिकल स्पायरल शेप यूज होता है इसके लिए, प्रेशर स्प्रिंग्स जो भी होते हैं हेलिकल स्पायरल शेप में होता है, प्री स्प्रिंग वाला स्प्रिंग टाइप रहता है, हेलिकल स्पायरल आपका प्रेशर ये बर्डन ट्यूब का टाइप्स है। तो उसमें मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको भी इसके पिक में आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से उसका हम लोग यूज़ करते हैं। आपने देख लिया यहाँ पे डायफ्राम, कैप्सूल, बेलोज और प्री स्प्रिंग्स की डेफिनेशन और किस एप्लीकेशन में हम लोग यूज़ करते हैं, तो याद कर लीजिए, जिस जो भी मैं लिखा हूँ कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू कैलिब्रेट एन एब्सोल्यूट प्रेशर ट्रांसमीटर यूजिंग वैक्यूम मैनोमीटर। मतलब वैक्यूम मैनोमीटर का यूज़ करके आप एब्सोल्यूट प्रेशर ट्रांसमीटर का कैलिब्रेशन कैसे करेंगे, अगर रेंज 0 से 400 mm एब्सोल्यूट है तो। कैलिब्रेशन प्रोसीजर जो लिखा है सेम आपका क्या करना है, पहले कनेक्ट एयर सप्लाई कनेक्ट करेंगे ट्रांसमीटर के साथ, और उसमें टेस्ट गेज के लिए हम लोग यूज़ करेंगे 0 से 1.4 kg टू द आउटपुट। मतलब वहाँ पे टेस्ट गेज के लिए 0 से 1.4 kg का हम लोग आउटपुट कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पे वैक्यूम अप्लाई करने के लिए वैक्यूम पंप चाहिए, मतलब मैनोमीटर पे वैक्यूम पंप अप्लाई करने के लिए। अप्लाई 760 mm वैक्यूम, एडजस्ट 0,
इसमें 760 mm वैक्यूम अप्लाई करिए और उसमें एडजस्ट जीरो कर दीजिए। अब उसके बाद अप्लाई 360 mm वैक्यूम एडजस्ट स्मान, इट मीन 760 माइनस 360 कितना हो जाएगा, 400 mm एब्सोल्यूट आ जाएगा। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 760 माइनस 400 कितना होगा, 360। सो आपको कितना वैक्यूम अप्लाई करना पड़ेगा, 360। 400 mm एब्सोल्यूट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा कितना, 360 mm। ओके, सो इसी हिसाब से यहाँ पे कैलिब्रेशन आपका हो जाएगा। बाकी अदर्स जो सिंपल कैलिब्रेशन हुआ तो आपको मैं पिछले वीडियो में दिखा दिया हूँ, प्रैक्टिकल बेसिस पे भी, थियोरेटिकल बेसिस पे भी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू आर गिवन ए मर्क्यूरी मैनोमीटर, रेंज 0 से 760 का मर्क्यूरी मैनोमीटर है और वैक्यूम गेज रीड्स कितने कर रहा है, 60 mm वैक्यूम, एंड द टेस्ट मैनोमीटर रीड्स कितना है, 50 mm वैक्यूम कर रहा है। मतलब जो वैक्यूम गेज आपका 60 दिखा रहा है लेकिन टेस्ट मैनोमीटर में 50 दिखा रहा है, तो विच ऑफ द टू इन करेक्ट, सो ट्रांसमीटर इज करेक्ट। सो इसमें जो ट्रांसमीटर है वो आपका क्या है, करेक्ट है, बिकॉज 760 माइनस 50 कितना होता है, 710 mm एब्सोल्यूट होना चाहिए। सो ट्रांसमीटर करेक्ट कितना हो जाएगा, 760 माइनस 50 इक्वल टू 710 mm एब्सोल्यूट। सो नेक्स्ट आपका क्या है, वाई इज एन इंक्लाइन मैनोमीटर यूज, सो इट इज़ यूज टू एक्सटेंड द स्केल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इंक्लाइन मैनोमीटर जो है, इट इज़ यूज टू एक्सटेंड द स्केल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बिकॉज द मैनोमीटर इज एट एन एंगल टू द वर्टिकल। ओके, ये वर्टिकल मतलब इंक्लाइन पोजिशन में लगाते हैं। तो जो भी मैंने आंसर लिखा है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, वैसे ही आपको लिखना है कोई भी क्वेश्चन से अगर आपको पूछता है उसके हिसाब से। अभी नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर गेज। सो प्रेशर गेज का प्रिंसिपल, प्रेशर वर्क्स ऑन हुक्स लॉ। सो प्रिंसिपल आपका क्या हो जाएगा, मेजरिंग द स्ट्रेस इन ए इलास्टिक मीडियम, मतलब स्ट्रेस को आपको मेजर करता है इलास्टिक मीडियम में। ओके, सो आपको फिर उसके बाद है पार्ट्स ऑफ प्रेशर गेज, मतलब एंड उसका हेयर स्प्रिंग, उसमें जो होता है प्रेशर गेज के जो पार्ट्स है उसमें हेयर स्प्रिंग का क्या यूज़ है। सो प्रेशर गेज का मेन पार्ट्स में क्या आ जाएगा, सी टाइप बर्डन आ जाएगा, कनेक्टिंग लिंक हो गया, सेक्टर गियर हो गया, पिनियन गियर हो गया, हेयर स्प्रिंग, पॉइंटर डायल। सो आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट आपको प्रैक्टिकल बेसिस पे भी ये 7 पार्ट्स आपको दिखा देता हूँ। और यूज़ ऑफ हेयर स्प्रिंग क्या है, टू पर्पज ओनली, टू अवॉइड बैकलेस एरर एंड इट सर्व एज अ कंट्रोलिंग टॉर्क। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे अप्लाइड प्रेशर जो 3 जगह पे दिया है, तो फर्स्ट वन क्या है, बेलोज है हाई प्रेशर के लिए, सेकंड वन क्या है आपका, डायफ्राम टाइप है, यहाँ पे भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स क्या है, यहाँ पर डायफ्राम पे अप्लाई होगा, डायफ्राम में भी जो ऑयल रहेगा वो आपको पॉइंटर के थ्रू आपको प्रेशर मेजर करके देगा। सो बेलोज में भी, बेलोज का आप सिंबल देख सकते हैं, इस तरह कहता है डायफ्राम का किससे किस रहता है, और बर्डन ट्यूब, सी टाइप बर्डन ट्यूब यहाँ पे दिखाया है अप्लाइड प्रेशर। सो फोर्स उसके हिसाब से वहाँ पे कैलकुलेट होगा और आपको यहाँ पे शो करेगा कितना प्रेशर अप्लाई हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सी टाइप, हेलिकल टाइप, स्पायरल टाइप। सो सी टाइप में आपका कौन कौन सा है दिख रख सकते हैं, सी टाइप में आपका पार्ट्स भी उसमें लिखा हुआ है, जो भी पार्ट्स आपको बताए थे वो। हेलिकल टाइप में स्प्रिंग टाइप रजिस्टर जो रहता है उस टाइप का दिखा है, और स्पायरल टाइप में ओके प्रेशर सेक्शन ए एंड ए जो भी आपको दिखा रहा है वो आपका बर्डन ट्यूब्स का टाइप्स है प्रेशर गेज में, सी टाइप, हेलिकल टाइप, स्पायरल गेज में, स्पायरल टाइप में। सो इस तरीके का रहता है, आप देख सकते हैं, तो आपको इजीली पता चल जाएगा, अगर आपने देख कभी भी देखोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा। अभी बर्डन टू प्रेशर गेज जो रहेगा, फुल एक्सप्लेनेशन जो दिया, वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन टाइप, इसी टाइप का है आपका प्रेशर गेज है, इसमें आपका देख सकते हैं लिंक है, गियर, सेक्टर, पिनियन, आपका सी टाइप बर्डन हो गया, पॉइंटर हो गया, मतलब जो भी जैसे सी टाइप बर्डन होता है वो स्ट्रेट होने की कोशिश करता है, सी टाइप जो बर्डन है उसके साथ में क्या पॉइंटर जुड़ा रहता है जो आपको प्रेशर मेजरमेंट करके सकता है। डायल गेज में जो दिख रहा है आपको 0 से 60 का रेंज दिया हुआ है, तो उसमें पॉइंटर घूमेगा, जैसे सी टाइप बर्डन, जैसे हम प्रेशर अप्लाई करें सी टाइप बर्डन आपको स्ट्रेट होने की कोशिश करेगा, उसके हिसाब से जो भी स्प्रिंग है वो मूव करेगा, उसके साथ में पॉइंटर जुड़ा रहता है जो आपको हमको प्रेशर दिखाता है, मेजरमेंट करके दिखाता है। तो सिंपल इजी डेफिनेशन में आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे यूट्यूब मैनोमीटर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, ठीक है। सो बीच में जो भी रहेगा 0 रहेगा,
और पॉजिटिव नेगेटिव प्रेशर दोनों रहता है इसमें, दोनों साइड सेम इक्वल लेंथ में जैसे जीरो के ऊपर दबाया 2+2 एंड 4 MMS2, मतलब 4 का वैक्यूम यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, MMS2 मतलब इतना प्रेशर यहाँ पे डेवलप हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं हाई साइड प्रेशर होगा तो लिक्विड जो भी हम भरा होगा क्या नीचे की साइड प्रेस होगा और लो साइड में ऊपर की तरफ जाएगा, तो 4+ गया, 4- गया, मीन्स 8 का हाइट हो गया इसमें। ओके, तो इस तरीके से मेज़र करते हैं। बर्डन ट्यूब में भी आपका फिक्स पायोट हो गया, गियर सेक्टर, पिनियन, प्रेशर इनलेट, ब्लॉक, क्रॉस सेक्शन, बर्डन ट्यूब, पॉइंटर, ये मेन पार्ट जो मैंने आपको बताया वो सब यहाँ पे दिख रहे हैं। इस इमेज में भी आप एकदम क्लियरली देख सकते हैं बर्डन ट्यूब गेज, आपका लिंक, फिक्स पायोट, गियर सेक्टर कौन से किसको बोलते हैं, पिनियन, प्रेशर इनलेट कहाँ से है, ब्लॉक, बर्डन ट्यूब, पॉइंटर। सो इस तरीके से आप यहाँ पे मेज़र करते हैं प्रेशर। कोई भी अगर डाउट है इस वीडियो के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये इस वीडियो का मैंने पहले भी एक वीडियो बना दिया था, लेकिन मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स क्वेश्चंस है वो मेरे पास अवेलेबल है, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे प्रिपेयर करके आपको बताया कि क्वेश्चंस अगर आपको पूछा जाता है उसका क्या जवाब देना है। ओके, सो इस वीडियो में हम लोग ने प्राइमरी एलिमेंट्स कवर किया है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं देखते हैं कुछ नए अच्छे क्वेश्चंस इंस्ट्रूमेंट के लेके आऊँगा और उसको डिटेल एक्सप्लेनेशन करूँगा। सो ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और से और दोस्तों को अपने बताइए, ऐसे यूज़फुल वीडियो मैं आपको आगे भी बताते रहूँगा। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब।